हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदाणी ग्रुप की के इसके ऊपर एक न्यूज़ आई है, जैसे कि आप हेडलाइन में देख सकते हैं कि अदाणी ग्रुप को लेकर आई बड़ी खबर। आखिरी चरण में पहुंची $30 करोड़ की एक बड़ी डील। 30 करोड़, ये डॉलर में है तो बड़ी रकम है, इसके बारे में हम जानेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल जो आप इन्फीबीम का शेयर यहाँ पर हमने शेयर किया था 17.60 रुपये के ऊपर, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीवियस क्लोजिंग का प्राइस। और आज इसके अंदर सवेरे ही आप खुद देख सकते हैं इसका हाई 18.60 रुपये के ऊपर, जो यानी कि 5% की तेज़ी थी सवेरे ही, और वो भी कमज़ोर बाजार में। और ये अगर आखिर में भी देखें तो हरे निशान में बंद रहा, 1.5% के आसपास की तेज़ी रही। जबकि ये निफ्टी की अगर बात करें 20,000 के नीचे ही खुला था, और अच्छी खासी जो है इसके अंदर एक गिरावट देखने को मिली थी। साथ ही साथ दोस्तों, तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जो लोग नए हैं। और निफ्टी के ऊपर, बैंक निफ्टी के ऊपर और फिन निफ्टी के ऊपर, मतलब कि पूरे बाज़ार के ऊपर भी आज हम वीडियो बनाएंगे, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखना, क्योंकि ये बाज़ार मतलब कि वो भी सॉरी थोड़ा टेक्निकल इशू था, तो मतलब कि वो वीडियोस जो है वो आप ज़रूर देखें। अगर आप मतलब कि निफ्टी, बैंक निफ्टी में अगर वो ट्रेडिंग करते हैं और फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर, या फिर वैसे ही जो है आप बाज़ार के ऊपर जो है जानकारी रख सकते हैं, क्योंकि उससे भी जो है कहीं जो है एक प्रिडिक्शन, मतलब कि एक डिसीज़न लेने में जो है एक यूज़फुल हो सकता है कि कल का बाज़ार कहाँ कैसा रह सकता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये न्यूज़ जो है आज ही की है, तकरीबन ये अभी आई है 3:30 बजे के आसपास, जब बाज़ार बंद होने की कगार पर था। और मतलब कि ये हिंदी में इसके जो हमने चयन किया था कि सभी लोग इसको जो है आसान भाषा में समझ में आए। कि खबर के मुताबिक ये दोनों कंपनियों के बीच समान स्वामित्व वाला जॉइंट वेंचर होगा, और इसमें सोलर और विंड एनर्जी प्रॉपर्टीज़ का मिश्रण होगा। परिसंपत्तियों में 250 मेगावाट की ऑपरेशनल क्षमता, 500 मेगावाट की निर्माणाधीन सुविधाएँ और 250 मेगावाट की प्लांट परियोजनाएँ शामिल होगी। और ये अगर देखें तो आगे बताया जा रहा है कि अदाणी ग्रुप की कंपनी अदाणी ग्रीन्स को लेकर एक बड़ी खबर आई है। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक फ्रांसीसी कंपनी टोटल एनर्जीज अदाणी ग्रीन एनर्जी के साथ एक नई जॉइंट वेंचर जेवी कंपनी या जॉइंट वेंचर कंपनी में लगभग $30 करोड़ का निवेश करने के अंतिम दौर में है। इस जॉइंट वेंचर के जरिए करीब 1 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट स्थापित किए जाएंगे। और ये खबर जो कि जो है अदाणी ग्रीन एनर्जीज के ऊपर है, और इससे जो है दूसरी मतलब कि फिलहाल जो है इसके ऊपर हम आगे भी मतलब की बात करेंगे, और अदाणी ग्रुप की दूसरी कंपनियों के ऊपर भी हम टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे। आज पूरा बाज़ार अगर देखें तो अच्छी खासी गिरावट थी, लेकिन अदाणी ग्रुप्स की जो है कुछ कंपनियों के अंदर गिरावट कम थी। तो ये भी अभी देखें तो आगे देखते हैं कि खबर के मुताबिक ये दोनों कंपनियों के बीच समान स्वामित्व वाला जॉइंट वेंचर होगा, और मतलब कि और इसमें सोलर और विंड एनर्जी प्रॉपर्टीज़ का मिश्रण होगा, और इससे जो है मतलब कि अच्छा रह सकता है ये। और परिसंपत्तियों में 250 मेगावाट की ऑपरेशनल क्षमता, 500 मेगावाट की निर्माणाधीन सुविधाएं, जैसे कि ये हमने पहले ही पेज के ऊपर देखा, ये यही है, और 250 मेगावाट की प्लांट परियोजनाएं शामिल होगी। और ये डेवलपमेंट फ्रांसीसी एनर्जी हेड के रुख में बदलाव की ओर इशारा करता है, क्योंकि हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद फरवरी में, ये ध्यान से सुने दोस्तों, फरवरी में अदाणी समूह के साथ $4 अरब की ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना को रोक दिया था इन्होंने। अब जो है ये आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, और इसके बारे में हमने इसके पहले भी बात की थी। और यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं कि 50% का कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये इसके बारे में हम आगे देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा डिटेल, 50% का इन्वेस्टमेंट। तो हिंडनबर्ग ने अदाणी ग्रुप पर ऑफशोर कंपनियों और अज्ञात संबंधित पार्टी लेन देन के जरिए लिस्टेड कंपनियों के स्टॉक मूल्य में हेरा फेर का आरोप लगाया था। हालांकि अदाणी ग्रुप ने सभी आरोपों से इनकार किया है। तो यहाँ पर अब ध्यान से सुने, टोटल एनर्जीज परियोजना में $30 करोड़ का इक्विटी निवेश करेगी। अदाणी ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी अदाणी एसेट्स के साथ योगदान देगी। इस खबर के मुताबिक टोटल एनर्जी 750 मेगावाट की अंडर कंस्ट्रक्शन और आने वाले एसेट्स के लिए आवश्यक पूंजी में 50% का योगदान देगा। और आगे यहाँ पर देखते हैं कि पहले से मौजूद एक वेंचर, तो अदाणी ग्रीन एनर्जी में टोटल एनर्जीज़ की 19% के आसपास की हिस्सेदारी है, और प्रमोटरों के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा शेयर धारक है। प्रमोटर्स हिस्सेदारी की बात करें तो ये करीब जो है 56% के आसपास है। टोटल एनर्जीज और अदाणी समूह का एक मौजूदा लिस्टेड जॉइंट वेंचर अदाणी टोटल गैस भी है, और इनके बारे में भी हमने जो है पिछले वीडियो में चर्चा की थी। और BSE पर अदाणी ग्रीन का शेयर सोमवार को 1000 के आसपास जो है रुपये के ऊपर बंद हुआ, और मंगलवार को ये जो है शेयर की बात हो रही है कि गणेश चतुर्थी के अवसर पर बाज़ार बंद थे।
आगे बताया जा रहा है कि साल की शुरुआत में स्टॉक में 45% आसपास की गिरावट देखने को मिली, लेकिन हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद फरवरी में के आखिर में 450 के आसपास का निचले स्तर पर पहुंचने के बाद ये लगभग 130% चढ़ गया। जुलाई में अदानी ग्रुप की रिन्यूएबल एनर्जी ब्रांच ने कहा कि वह संस्थागत निवेशकों को शेयरों की सार्वजनिक बिक्री से 12,300 करोड़ रुपये जुटाएगी। तो मतलब कि ये रिपोर्ट का यहाँ पर यह बताया जा रहा है। और आज के कारोबार की भी बात कर लेते हैं कि आज भी अच्छा खासा वॉल्यूम रहा इसके अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि डिलीवरी वॉल्यूम ज़रा देखिए, 36 लाख की डिलीवरी उठी है। और यहाँ पर देखें तो अब इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी देख लेते हैं। डेली चार्ट है इसका, तो यहाँ पर जैसे कि आप देखें तो 1008 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी। इतने ख़राब बाज़ार के अंदर, जब पूरे बाज़ार के अंदर गिरावट थी, इसके अंदर अगर आप देखें तो फ्लैटनेस थी, थोड़ा सा हल्का सा 0.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। साथ ही साथ अगर आज इसने हाई अगर देखें तो 1025 का बनाया था। पिछली बार भी हमने देखा था, मैंने बोला था कि 1020 का जो जोन है ये अभी भी एक जो है रेजिस्टेंस बना हुआ है, अगर इसके पार जाता है तब जो है ये 1050 से 1070 तक जा सकता है। नीचे में 980 रुपये के आसपास का सपोर्ट बताया था, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल 988 के आसपास जो है इसने आज सपोर्ट लिया, वहाँ का लो बनाया। अभी ये तीनों ही मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रहा है, तो ये भी अभी जो है प्राइस के अंदर स्ट्रेंथ दिख रही है। आने वाले समय में सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं। अभी जैसे कि आप यहाँ पर देखें तो वॉल्यूम के अंदर जो है आज भी अच्छी खासी तेज़ी देखने, मतलब कि बढ़ोतरी देखने को मिली। आप ये देख सकते हैं 7.6 मिलियन के आसपास का वॉल्यूम रहा। तो सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन देखें तो जैसे कि देखा एक तो ये 980 रुपये और उसके नीचे देखें तो 950 रुपये। तो ये सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन काफ़ी मायने रखते हैं दोस्तों, उसके ये जो है एक डिसीजन लेने में जो है काफ़ी एक यूज़फुल रह सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की जैसे कि हमने बात की, एक तो ये 1020 का जोन, अगर उसको क्रॉस करता है तब जो है 1050 से 1070 रुपये तक ये जा सकता है। अगर इसको क्रॉस करता है तब जो है इसके अंदर वापस से फर्दर तेज़ी आ सकती है। जो इसने 1150 से 1200 रुपये तक का जो एक हाई बनाया था यहाँ पर, वहाँ तक जाने की कोशिश जो है ये कर सकता है ऐसा लग रहा है। अभी जो है आपको स्क्रीन के ऊपर वो भाव नहीं दिख रहा है क्योंकि थोड़ा सा जूम कम किया हुआ है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, और अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे दूसरे वीडियो भी ज़रूर देखा करें दोस्तों, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।